हेलो दोस्तों, कैसे आप सब कहीं अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों वीवो Y21T स्मार्टफोन का हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग ज़्यादा फीचर्स यूज़ करते हैं उसी फीचर्स के यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस फोन में क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स निकल कर आता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे उनका फुल स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो स्क्रीन पर आ रहा है, आप पॉज करके यहाँ पे देख लेना। पहले फीचर्स का बात करो तो पहले फीचर्स है 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश सेट। ये फीचर्स दोस्तों पहले से ऑन नहीं रहता है, आपको ऑन करना पड़ता है। ये फीचर्स ऑन करने के लिए आपका जाना पड़ेगा सेटिंग पे। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं। तो अब यहाँ से सेटिंग में क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ तो नीचे मिल जाएगा आपको स्क्रीन रिफ्रेश सेट। तो चलिए इसको ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्मार्ट स्विच 60Hz और 90Hz, यहाँ पे 60Hz रख सकते हो और 90Hz भी रख सकते हो। तो मैं 90Hz रख दिया हूँ। यहाँ पे 90Hz रखोगे तो आपको टच एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा, बहुत ही स्मूथली यहाँ पे टच एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स का बात करता हूँ। नेक्स्ट फीचर्स है होम स्क्रीन स्टाइल। तो इसके इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए होम सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन स्टाइल। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ चले, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्टैंडर्ड स्टाइल और यहाँ पे ड्रायर स्टाइल। ड्रायर स्टाइल में सिलेक्ट है, ड्रायर स्टाइल क्या होता है पहले आपको दिखाता हूँ। तो चलिए होम स्क्रीन में चलता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से स्वाइप करोगे तो ड्रायर स्टाइल से खुलेगा, तो इसको बोलता है ड्रायर स्टाइल। तो चलिए आपको फिर से करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से करोगे तो इसको बोलता है ड्रायर स्टाइल। तो चलिए फिर से चलता हूँ होम सेटिंग में। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आपको स्टैंडर्ड स्टाइल सिलेक्ट करके दिखाएंगे, तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों होम स्क्रीन में चलते, चलिए तो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, तो लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे हो गया है। अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ, तो सारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है होम स्क्रीन पे, सारा एप्लीकेशन आ रहा है और स्वाइप करने से ड्रॉयर जैसा ओपन नहीं हो रहा है, सब यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है सामने। तो इसको बोलता है दोस्तों स्टैंडर्ड स्टाइल। इस तरह से दोस्तों होम स्क्रीन स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बात करते हो इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स का तरफ। नेक्स्ट फीचर्स है होम स्क्रीन लेआउट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हो, इस लेआउट को किस तरह से आप चेंज करोगे वो दिखाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए आपको किस तरह से चेंज करना आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे टैप कीजिए स्क्रीन पे, फिर से यहाँ पे देखिए होम सेटिंग, फिर से जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन लेआउट, तो इसको भी टैप कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 4:6 में सिलेक्ट है, यहाँ पे 5:6 में सिलेक्ट कर देते हो। चलिए यहाँ पे टैप करके सिलेक्ट कर देता हूँ, तो सिलेक्ट कर दिया हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लेआउट चेंज हो चुका है, यहाँ पे 5 एप्लीकेशन ऊपर में आ गया है। इस तरह से तो होम स्क्रीन लेआउट को आप इस तरह से चेंज कर पाओगे काफ़ी अच्छे फीचर से। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। तो चलिए अब इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करता हूँ। इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स है डार्क थीम। तो इसको इनेबल करने के लिए जाना पड़ेगा सेटिंग पे। तो चलिए यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे सेटिंग, यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर। तो यहाँ पे नीचे देखिए डार्क थीम मिल जाएगा आपको। तो चलिए इसको भी क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डार्क थीम ऑन हो चुका है, तो चलिए इसको ऑफ करता हूँ। अब यहाँ पे डार्क थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सनसेट टू सनराइज, ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो सनसेट यानी शाम के टाइम ऑटोमेटिक आपका डार्क थीम ऑन हो जाएगा, और सनराइज यानी सुबह ऑटोमेटिक आपका डार्क थीम ऑफ हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों सनसेट एंड सनराइज काम करता है, काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद टर्न ऑन एट कस्टम टाइम, यानी दोस्तों डार्क थीम को अपने हिसाब से टाइम पे ऑन ऑफ कर सकते हो। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। तो चलिए अब इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स में बात करता हूँ। नेक्स्ट फीचर्स है ऐप लॉक। यहाँ पर दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन को प्राइवेसी करना चाहते हो तो किस तरह से कर पाओगे, तो यहाँ पे देखिए कोई भी प्राइवेसी नहीं है, कोई भी लॉक नहीं है। यहाँ पे गैलरी, फेसबुक मैसेंजर को आप लॉक करना चाहते हो तो इसको करने के जाना पड़ेगा सेटिंग पे। तो चलिए सेटिंग में चलता हूँ। तो अब यहाँ से जाएंगे एकदम नीचे, स्क्रॉल करके एकदम नीचे चलता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी, तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो क्लिक किया तो यहाँ पे पासवर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पैटर्न पासवर्ड दे सकते हो, तो चलिए यहाँ से पैटर्न दे देता हूँ, नॉर्मल से एक पैटर्न दे देता हूँ। आपको यहाँ पे दो बार देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन मांग रहा है, तो चलिए इसको फिलअप करता हूँ। तो यहाँ पर जो याद रहे वो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो वीवो का बंद वीवो लिख देता हूँ मैं, नीचे भी वीवो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो चलिए अब डाउन में क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पर मॉडिफाई पासवर्ड आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऐप इंक्रीज में क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे जो भी ऐप आपको लॉक करना है, प्राइवेसी करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे गैलरी कर लिया, अब यहाँ पे चलिए फेसबुक कर लेता हूँ, तो फेसबुक हो गया यहाँ पे। तो चलिए अब बैक करके आपको दिखाता हूँ। तो गैलरी में क्लिक करता हूँ, चलिए तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांग रहा है, यानी यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो चलिए बैक करता हूँ, यहाँ से फेसबुक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फेसबुक में यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, यानी फेसबुक में यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो इस तरह से तो ऐप लॉक को इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। चलिए अब इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स का मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट फीचर्स है हाइड ऐप। तो हाइड ऐप दोस्तों हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो उसको इनेबल करने के लिए जाना पड़ेगा सेटिंग पे। तो चलिए सेटिंग में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से जाएंगे दोस्तों सिक्योरिटी पे, तो यहाँ पे देखिए नीचे सिक्योरिटी, इसको भी क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे नीचे देखिए नीचे आपको मिल जाएगा प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन, तो चलिए इसको भी क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है, चलिए पैटर्न दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे देखिए हाई डैप, तो चलिए हाई डैप के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे हाइड करना है सभी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपको हाइड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे फेसबुक का किया, अब यहाँ पे चलिए फ़ोनपे का करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे देखिए फ़ोनपे, तो चलिए फ़ोनपे का यहाँ पे हाइड करता हूँ। तो अब यहाँ पे हाइड हो चुका है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ हाइड हुआ है या नहीं। तो चलिए होम स्क्रीन में चलता हूँ, तो यहाँ पे चलिए सर्च करके आपको दिखाता हूँ फेसबुक है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे सर्च करता हूँ पहले, वो पहले यहाँ पे फेसबुक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फेसबुक नहीं आ रहा है, यानी हाइड हो चुका है। आप फ़ोनपे का करता हूँ, फ़ोनपे यहाँ पे लिखता हूँ, तो फ़ोनपे नहीं आ रहा है, फ़ोनपे भी हाइड हो चुका है। अब दोस्तों किस तरह से आप अनहाइड कर पाओगे वो भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे फिर से हाइड ऐप पर चलता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है, फिर से हाइड ऐप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे स्कॉप कर देता हूँ, अब दोस्तों अनहाइड हो चुका है। तो आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फेसबुक और यहाँ पे देखिए नीचे फ़ोनपे, तो यहाँ पे अनहाइड हो चुका है। इससे दोस्तों हाइड ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो, एक काफ़ी अच्छा फीचर्स है, काफ़ी ज़रूरत फीचर्स है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ, तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स का बात करो, तो नेक्स्ट फीचर स्क्रीन शॉट। इस फोन में दोस्तों दो तरह से बहुत ही आसान से स्क्रीन शॉट ले सकते हो, चलिए आपको दिखाता हूँ। पहला दोस्तों पावर की और वॉल्यूम डाउन की मदद से आप ले सकते हो, चलिए आपको करके दिखाता हूँ एक बार। चलिए यहाँ पे प्रेस करता हूँ एक साथ, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन शॉट हो चुका है। अब दोस्तों थ्री फिंगर में स्वाइप करके स्क्रीन शॉट लेकर दिखाऊंगा, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, अभी ऑन नहीं है। चलिए आपको ऑन करके दिखाता हूँ, आप थ्री फिंगर में किस तरह से स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो चलिए इसको एनेबल करने के लिए जाना पड़ेगा सेटिंग पे, तो चलिए यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाएंगे नीचे एकदम स्वाइप करके, तो यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। चलिए तो ऊपर में पहले ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इस कैप्चर, तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सारे एप्लीकेशन को ऑन कर दीजिए, तो यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब दोस्तों आपको करके दिखाता हूँ, थ्री डॉट में इस तरह से स्वाइप करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन शॉट हो चुका है, आप इस तरह से स्क्रीन शॉट ले सकते हो बड़ी आसानी से, काफ़ी अच्छा फीचर से। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। तो अब इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स का बात करो, तो नेक्स्ट फीचर सिस्टम नेविगेशन। यहाँ पे जो की देख रहे हो टच की, आप बैक को इधर ला सकते हो इधर से, और यहाँ पे गायब कर सकते हो इसको। तो चलिए आप किस तरह से कर पाओगे इसको कस्टमाइज आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जाना पड़ेगा सेटिंग पे, तो चलिए यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से जाएंगे नीचे एकदम सिस्टम पे, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम, तो इसको भी क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे ऊपर में देखिए सिस्टम नेविगेशन, इसको भी क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा थ्री बटन नेविगेशन और यहाँ पे गेस्चर नेविगेशन। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो बैक देखिए इधर से इधर आ चुका है, तो बैक यहाँ पे देखिए इधर से इधर आ चुका है। तो चलिए फिर से चलते हैं यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन पर, यहाँ पे गेस्चर नेविगेशन करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए गेस्चर नेविगेशन में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए टच की गायब हो चुका है, यानी हाइड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से किस तरह से बैक करोगे आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आप इस तरह से यहाँ पे स्वाइप कीजिए, इस तरह से स्वाइप करो तो बैक होगा, आप इस तरह से स्वाइप करोगे तो बैक होगा, और इस तरह से स्वाइप करोगे तो बैक होगा, और आप यहाँ पे इस तरह से होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे मिनिमाइज जो ऐप रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। तो आज के लिए इतना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो लाइक सकना, और दोस्तों इस फोन का कौन सा फीचर आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो नीचे कॉमेंट बॉक्स से जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।